after the discussion of section 60, 61 and 62 regarding the aggregation of the income, under that we discussed revocable and irrevocable transfer. Now, today we will discuss when the income from assets transfer to spouse deemed to be the income of the assessee. जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर में एक मास्टर चार्ट दिखाया था, जो हमने मास्टर चार्ट्स के थ्रू प्लानिंग करी थी. अब उसमें हमने आपको बताया था कि हमने 60, 61 और 62 की डिस्कशन कर ली है. अब हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 में 4B, 5B, 6B जिसमें हम जो क्लबिंग है वो स्पाउस, सन्स वाइफ एंड एनी अदर पर्सन, जो हमने डिस्कस किया था कि उसने कहा कि क्लबिंग मैं इनके लिए करूंगा ही करूंगा, चाहे आप ट्रांसफर करिएगा. और उसके बाद हम रेमुनरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे. तो आज हमारी डिस्कशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी, ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है और नेक्स्ट हमारी डिस्कशन रेमुनरेशन भी होगी. सो क्लबिंग ऑफ द इनकम में व्हेन इज इनकम फ्रॉम एसेट, लेकिन ध्यान रखिएगा इट शुड बी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के केस में वो हमने डिस्कस करी थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में, सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 में कवर होगी, थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे. एसेट में अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, ट्रांसफर टू स्पाउस डीम टू द इनकम ऑफ द असेसी. ट्रांसफर हम स्पाउस को किया जा रहा है, हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, वाइफ के द्वारा हस्बैंड को किया जा रहा है. और इनकम जो एसेट से एक्रू हो रही है वो जो भी ट्रांसफरर होगा उसी के हाथ में वो टैक्सेबल होगी. तो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 के अंदर जो है, सबसे पहले तो क्वेश्चन राइज होता है कि इसका पर्पस क्या है. तो सिंपल है, दिस प्रोविजन एम्स एट क्लोजिंग द लूप होल, जो भी लूप होल है हमारे लॉ में, फॉर अवॉइडेंस और रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी थ्रू द डिवाइस ऑफ डाइवर्शन ऑफ द इनकम टू द मेंबर ऑफ द फैमिली. आपको पता है कि हमने एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम पढ़ा था, एक डाइवर्शन ऑफ इनकम पढ़ा था. एप्लीकेशन ऑफ द इनकम में तो कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, और वहां पे दैट इज टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. और जहां डाइवर्शन ऑफ इनकम होती है वहां इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी. ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ द इनकम एंड डाइवर्शन ऑफ द इनकम. लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं. द रीजन बिहाइंड इट कि हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी को कम करना चाहते हैं. अगर हम टैक्स लाइबिलिटी को कम करना चाहते हैं थ्रू द डिवाइस ऑफ द डाइवर्शन ऑफ द इनकम टू द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो उस लूप होल, क्योंकि कई लोग इसके थ्रू जो है वो अपनी इनकम को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उस लूप होल को रोकने के लिए इनकम टैक्स में ये वाला प्रोविजन लगाया गया है. सर ये है क्या चीज है प्रोविजन? हाँ देखो, सिंपल वर्ड्स में अब आपको हम इसको समझाते हैं. आपने देखा होगा कि अभिषेक बच्चन को जानते हैं आप? हाँ जी सर, अमिताभ बच्चन का बेटा. ठीक है, ये अभिषेक बच्चन है ये. ठीक है, ये लो और हाइट और बढ़ा देते हैं. ये अभिषेक बच्चन है, हस्बैंड है, और ये ऐश्वर्या राय बच्चन है. ये भी जानते हैं? हाँ जी, इसको भी थोड़ी सी हाइट इसकी बढ़ा देते हैं, ये इसकी चोटी है. क्या है इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है सर? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, राइट. अच्छा, अब इसने क्या किया कि अभिषेक बच्चन ने डिवेंचर गिफ्ट दिए, दिए भी क्या डिवेंचर ऐश्वर्या राय को, क्या दिए? गिफ्ट दिए. गिफ्ट का मतलब विदाउट कंसिडरेशन सर, ये तो हमें पता है. ओके, अब उन डिवेंचर के ऊपर ऐश्वर्या राय को क्या मिलेगा जी? इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, डिवेंचर हमारी एसेट आ गई और अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है, और उसने ऐश्वर्या, तो क्या हुआ, ये डाइवर्शन ऑफ इनकम हुआ एज ए गिफ्ट हस्बैंड के द्वारा वाइफ को. स्पाउस में ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. अब जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो किसके हाथ में आएगी जी? ऐश्वर्या राय बच्चन के हाथ में आएगी. लेकिन सेक्शन 64 सब सेक्शन 14 ये कहता है कि ये जो इंटरेस्ट की इनकम है इट वुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द अभिषेक बच्चन. तो दैट शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द अभिषेक बच्चन, तो जिसके द्वारा जो एसेट ट्रांसफर करी उस एसेट से जो इनकम जनरेट की जाएगी
वो ट्रांसफरी के हाथ में जो इनकम आई वो ट्रांसफर के हाथ में ही जाकर के टैक्सेबल होगी क्योंकि इसमें क्लबिंग है, दैट विल बी, क्योंकि वो सोच रहा है कि डिवेंचर ट्रांसफर करके वो इनकम को अवॉइड करना चाहता है, चोरी करना चाहता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। अच्छा, अब देखना एक और, ये जानते होंगे थोड़ा सा, ये है सलमान खान, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि सलमान खान जो है वो डिवेंचर का गिफ्ट देता है, कोई भी गिफ्ट है, डिवेंचर गिफ्ट दे रहा है किसको, ऐश्वर्या राय को। अब जब गिफ्ट दे रहा है तो डिवेंचर के ऊपर उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, वो भी क्या होगी उसकी इनकम, ऐश्वर्या राय की इनकम। अब बताओ कि ये इनकम जो है वो सलमान खान के वहां पे क्लबिंग हो जाएगी या ऐश्वर्या राय को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सर सलमान खान के, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है, ये स्पाउस नहीं है, इसलिए नो क्लबिंग बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऐश्वर्या, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज नॉट, नो क्लबिंग इज टू बी मेड बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ द सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ, बट इफ अभिषेक इज गिव तो इसके हाथ में हुए क्लब हो जाएगी। अब बोलो जी, अब क्लियर हुआ? तो क्या था जी हेडिंग हमारा, When is income from asset transferred to spouse deemed to be the income of the assessee? Okay, लेकिन ये gift of house property नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये income from house property में taxable है, जिसमें हमने discuss किया था कि अगर house property husband के द्वारा wife को transfer की जाती है तो चाहे वो income wife को मिल रही है लेकिन it would be taxable in the hands of husband। और ये हमने सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डीम्ड इनकम के केस में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहां 64 नहीं लगेगा। तो क्या होगा जी कंडीशंस फॉर क्लबिंग, इनकम अराइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द स्पाउस ऑफ द एसेट, लो जी मिल गया, ऐश्वर्या को इनकम हुई, कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरा, सच इनकम अराइज फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड, लो जी ये जो इंटरेस्ट की इनकम हुई किससे हुई, जो डिवेंचर उसने ट्रांसफर किए थे, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सच ट्रांसफर इज अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसीडरेशन, बिल्कुल जी, क्योंकि बिना कुछ लिए हुए उसने वो गिफ्ट दे दिया, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज नॉट एडिक्वेट कंसीडरेशन फॉर दिस पर्पस, अदरवाइज देर इज ओनली, क्योंकि मैरिड है तो देर इज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कहता वो कंसिडरेशन काम नहीं करेगा यहां पे, यहां कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा, कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो कहता है यहां पे तो नेचुरली कुछ नहीं लिया तो यहां पे क्या हो गया, गिफ्ट मिल गया, ये जी कंडीशन पूरी हो गई। कहता सच ट्रांसफर इज नॉट इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, और साथ में ये भी होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं आपस में अलग नहीं रहने चाहिए। सर नहीं रहते हैं ये दोनों, अलग नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरी होगी। अगर कंडीशन होगी तो यहां पर कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट कर गया, सर सेक्शन 64 सब सेक्शन 14 जो है वो अट्रैक्ट कर गया, इसीलिए जो इंटरेस्ट की इनकम है वो अभिषेक बच्चन के हाथ में टैक्सेबल होगी। बोलो जी पॉइंट क्लियर, ओके। अच्छा अब इसको क्लियर कर देते हैं जिसमें लिखा है लीव अबार्ट, झगड़ा हो रहा है यहां पे, ओके देखिए इसमें क्या हो रहा है वो भी बात कर लेते हैं। हाउएवर नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस, क्या इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, राइट, इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन का मतलब है कि अब मान लीजिए कि डिवेंचर है और डिवेंचर को ऐश्वर्या राय को, ऐश्वर्या बच्चन को बेच रहा है और उसके बदले में वो कुछ पैसा ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एडिक्वेट कंसिडरेशन। इसका मतलब सेल, ये सेल नहीं होना चाहिए, इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन इट विल नॉट बी सेल। अगर ये सेल नहीं है तो क्लबिंग, अगर सेल है तो क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है जी। दूसरा, इफ ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, यही तो बात कर रहे थे हम। अब देखो ये हस्बैंड वाइफ है लेकिन बीच में रेड लाइन आ गई है, झगड़ा हो गया इनके बीच में, अब झगड़ा हो रहा है तो आप बोलेंगे डिवोर्स, नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं। देखो कई बार क्या होता है कि जब झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, आज जब कोर्ट में चले जाते हैं तो जज सीधा थोड़ी बोलता है डिवोर्स ले लो, वो भी तो ह्यूमन बींग है, वो कहता है देखो भाई ऐसा करो आपको बहुत टाइम होगा इकट्ठे रहते हुए तो हो सकता है कि उसी वजह से आप एक झगड़ा हो गया हो, तो इस वजह से आप ऐसा करो कि थोड़े टाइम के लिए अलग अलग रहो, हो सकता है कि बाद में दोनों की जो कमी रियलाइज हो तो हो सकता है कि बाद में वो इकट्ठे हो जाएं। तो वाइफ बोलती है कि सर मैं तो अलग रहूंगी लेकिन मेरा खर्चा पानी कैसे होगा, तो घर वाला बोलता है कि को खर्चा पानी की नहीं है पर तू बस अलग रहे मेरे से वो मैं दे दूंगा। तो यहां पे क्या है, दे आर नाउ लिविंग अपार्ट, जब लिविंग अपार्ट है तो हो सकता है कि उसने बोला कि मुझे अलग कमरे में रहना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है,
तो इसलिए इफ ट्रांसफर इज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, बात क्लियर है जी। तो जज ने एक तरह से कहा है और ये एग्रीमेंट हो गया कि अब दोनों क्या हैं, अलग अलग रहेंगे, बात क्लियर होगी जी यहां तक। अच्छा, अगर वो लिव अपार्ट हैं और वो डिवेंचर मतलब कुछ जैसे मान लो ये डिवेंचर दे रहा है उससे उसको इंटरेस्ट मिलना होगा, उसका खर्चा पानी चल पड़ेगा, तो यहां पे फिर वो इस हस्बैंड के वाइफ के साथ हुआ उसकी इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा, ठीक है जी यहां पे। अच्छा, उसके बाद तीसरी आ गई कि रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब देख लो सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो कब नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, इधर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ द इनकम, जब इनकम ट्रांसफर करी थी और बोथ। इसका मतलब है कहता है जब ट्रांसफर करी थी तो भी, जब इनकम अक्रू हुई तो भी, या दोनों के टाइम में क्या होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप, लेकिन यहां पे अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, चाहे वो एट द टाइम ट्रांसफर है चाहे एट द टाइम ऑफ अक्रूवल है या दोनों, क्योंकि इधर वर्ड है, या तो ये या दोनों, तो अगर वो कहता कि उसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, तो क्लबिंग नहीं होगी। सर ये क्या नई चीज आ गई, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अभी हम आपसे ये बात शेयर करेंगे। देखिए पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे, दूसरा पॉइंट तो आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का जो झगड़ा है वो हमने अभी जज के थ्रू सॉल्व कर लिया। तो नो क्लबिंग इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, दैट इज सेल विद प्रॉपर कंसिडरेशन। क्या हुआ, मिस्टर ए ने सेल ऑफ डिवेंचर किए 1,00,000 रुपए के मिसिज ए को, ओके, और 1,00,000 रुपए के उन्होंने सेल कर दिए किसको, मिसिज ए को, और उसकी मार्केट वैल्यू इस टाइम कितनी है, 1,00,000 रुपए, तो ठीक हो गया जी, बराबर है, तो इसका मतलब देयर इज एन एडिक्वेट कंसिडरेशन। अब मिसिज ए को उन डिवेंचर के ऊपर क्या मिल रहा है जी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 20,000, मान लो 20% के हिसाब से 20,000 मिला। विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, क्यों नहीं क्लब होंगे, क्योंकि सर ये गिफ्ट नहीं है, ये विद द एडिक्वेट कंसिडरेशन है, अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो क्लबिंग नहीं होगी। हो गया जी पॉइंट क्लियर। अच्छा अब उसके बाद आपको एक और पॉइंट के साथ कंफ्यूज करते हैं, ये मिस्टर ए है और ये मिसेज ए है, दोबारा से सेल ऑफ डिवेंचर है और वो कितने के किए उन्होंने, 50,000 के, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 1,00,000 रुपए की। आप बताओ अब वहां यहां पे इनएडिक्वेट हो गया कंसीडरेशन, ठीक है, लेकिन मिसिज ए को इंटरेस्ट की इनकम कितनी हो रही है, उन्होंने तो 1,00,000 के डिवेंचर 50,000 में, तो इंटरेस्ट की इनकम तो कितनी होगी, 20,000 रुपए होगी, लेकिन 10,000 रुपए की इनकम जो है वो क्लब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर ये 50,000, 1,00,000 रुपए के 50,000 का इन्वेस्ट किया है, तो 50,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्लब नहीं होगा, क्योंकि 50,000 उन्होंने कंसिडरेशन पे किया है ना, इसलिए 10,000 विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। लेकिन जो 10,000 रुपए जिसके ऊपर कंसिडरेशन नहीं दिया गया है वो तो क्लबिंग होगी, वो उसके लिए पुराना प्रोविजन लगेगा, सो रुपीज 10,000 विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, ठीक है जी, ये मिस्टर ए इसके हाथ में जो क्लबिंग हो जाएगी। सर 50,000, मान लो अगर 60,000 होता तो भी क्या होता, अब अगर 60,000 होता तो 60,000 का 20% के हिसाब से 12,000 रुपए जो है वो क्लब नहीं होता, 8,000 रुपए की क्लबिंग हो जाती। हो जाएगी कैलकुलेशन सर, रेशियो से कैलकुलेशन, ठीक है, तो इसकी समरी बनाएं जी आपकी, लो जी इसका मतलब है कि इंडिविजुअल ट्रांसफर एसेट, एक तो आ गया मेरा एडिक्वेट कंसिडरेशन जो मैंने सबसे ऊपर टॉप में कहा, 1,00,000 की आइटम 1,00,000 में खरीद ली तो नो क्लबिंग, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जिसमें आपने 1,00,000 रुपए की आइटम के लिए कितने पैसे खरीद लिए दिए थे, देन इनकम बिलोंग टू इनएडिक्वेट पोर्शन विल बी क्लब्ड, तो जितना इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होगा उसकी क्लबिंग होगी, जितना पेमेंट कर दिया होगा उसकी क्लबिंग नहीं होगी। लो जी ये भी बात क्लियर होगी। अच्छा अब सर पॉइंट नंबर 3 बताओ, 2 हमने पढ़ लिया क्योंकि हमें अब पता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा वो हम टेलीविजन के ऊपर भी बहुत देखते हैं, जहां पे
झगड़े होते हैं। तो ये हमने कहा कि इफ दे इफ द ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ओके, तो तीसरा क्या था, ये था रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ डज नॉट एक्सिस्ट। ओके, तो कहता है पॉइंट नंबर थ्री में नो क्लबिंग। कब? इफ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एक्सिस्ट आइदर इधर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एट द टाइम ऑफ एक्रूअल ऑफ सच इनकम और बोथ। बात करें जी, ओके, मान लो ये है डेट ऑफ ट्रांसफर 15 जनवरी और डेट व्हेन इनकम एक्रू और अराइज ये है 5 मार्च, ठीक है। लेकिन इन बीच में जो है वो क्या होता है कि उनकी अब शादी हो जाती है, बीच में इस डेट के बीच में मान लो अब क्या हो गया, शादी हो जाती है। तो देखते हैं क्या हुआ। देखिए यहां पे डेट ऑफ ट्रांसफर, जब डेट ऑफ ट्रांसफर थे तो क्या थे, वो सिर्फ फ्रेंड थे या फियांस और फियांसी थे, मंगेतर थे ये समझ लो, शादी से पहले मंगेतर थे। व्हेन इनकम अरूज तब भी वो मंगेतर थे, अभी भी नहीं हुआ, लेकिन गिफ्ट दे दी गई। बोलो क्लबिंग होगी कि नहीं? सर क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि क्या होना चाहिए, या तो ट्रांसफर के टाइम में या यहां पे जो है वो क्या होना चाहिए, या दोनों टाइम में क्या होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो यहां तो नहीं है। अच्छा, दोनों के टाइम होना चाहिए। अब देखो डेट ऑफ ट्रांसफर ये 15 जनवरी, इनकम 5 मार्च को, लेकिन मान लो बीच में जो है वो 28 फरवरी को उनकी शादी हो जाती है। अब क्या बन गया, अब फियांसी से वो वाइफ बन गई, तो सर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के टाइम होना चाहिए, वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दोनों टाइम होना चाहिए। अब यहां फ्रेंड है यहां वाइफ है, तो नहीं होगा। अच्छा, अब मान लो यहां पे शादी हो चुकी है, ये वाइफ, यहां भी वाइफ, अब बोलो सर होगी। अच्छा, अब यहां पे मान लो वाइफ, यहां पे मान लीजिए कि वो अब डेथ हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो अब वो फ्रेंड बन गई दोबारा, क्योंकि इंडिया में थोड़ी नहीं है कि अब एक बार डिवोर्स हो गया तो दोस्त नहीं रहेंगे, दोस्त तो रह ही सकते हैं ना, डिवोर्स हो जाता है, अब वो फ्रेंड है, फिर वो गिफ्ट दे रहा है, देन अगेन क्लबिंग इज नॉट टू बी मेड। तो क्लियर हो गए जी। तो क्या होना चाहिए, ट्रांसफर के टाइम भी, एक्रूअल के टाइम भी, और मतलब दोनों टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो क्लबिंग नहीं होगी। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा, तो ये थे हमारे कि जिसमें हमारे पास पहला क्या था, स्पाउस था। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सर सन्स वाइफ। वो हमने आपने हमें बताया था कि जिसमें हम हमें धक्का लगा था कि अच्छा सन हो सकता है लेकिन सन्स वाइफ नहीं, बहू। तो नेक्स्ट वन है कि व्हेन इज इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ डीम टू द इनकम ऑफ द सेसी। अब क्या हुआ, स्पाउस की जगह क्या आ गया, सन्स वाइफ आ गया। तो दोबारा से इस सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के अंदर है। व्हाट इज द पर्पस, सेम पर्पस है। द प्रोविजन एम्स एट क्लोजिंग द लूप होल फॉर अवॉइडेंस और रिडक्शन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी थ्रू द डिवाइस ऑफ डाइवर्शन ऑफ इनकम टू द मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली के मेंबर को इनकम ट्रांसफर करके आप जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स लाइबिलिटी आपकी कम हो जाए, और इस लूप होल का आप यूज करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्लग कर दिया गया सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के द्वारा, जिसके अंडर जो है अगर आप सन्स की वाइफ को जो है किसी भी एसेट को ट्रांसफर करते हैं जिसके ऊपर इनकम होती है, तो दैट वुड ऑल्सो नॉट टू बी द इनकम ऑफ दैट सन्स वाइफ, दैट वुड ओनली बी द इनकम ऑफ द ट्रांसफर। कौन करेगा, सास करेगी, ससुर करेगा। चलिए जी, अब इसकी बात भी करते हैं फिर हम बात करते हैं। ये है देखिए, अब बहुत लंबी हाइट है, तो क्या है, अमिताभ बच्चन जी है, और ये कौन है, ये ऐश्वर्या राय है। अब ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन की ऐश्वर्या राय जो है वो सन्स वाइफ है, बहू है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, अमिताभ बच्चन ने डिवेंचर जो है वो ट्रांसफर कर दिए, गिफ्ट दे दिए विदाउट कंसिडरेशन, किसको, ऐश्वर्या राय को। तो ऐश्वर्या राय को किसकी इनकम होगी, सर इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 कहता है कि अगर ऐसा करोगे तो जो इंटरेस्ट की इनकम होगी दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऐश्वर्या राय, दैट वुड ओनली बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अमिताभ बच्चन। तो ये जया बच्चन भी हो सकती है, इसलिए मैंने मदर इन लॉ फादर इन लॉ कोई भी हो सकता है, तो इसलिए क्या कर दिया, इट वुड बी टैक्सेबल
it would be clubbed in the hands of Mr. Amitabh. बात क्लियर है? अच्छा सर, एक और इंस्टांस बताइए. देखिए ये ऐश्वर्या रहे, ये पहचान रहे हैं आप? नहीं पहचान पा रहे हैं, नाम से पहचान लो. विवेक ओबराय, जान गए होंगे बाप. अच्छा, विवेक ओबराय ने फिर ऐश्वर्या राय को गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट जो है वो डिवेंचर का दिया. अब डिवेंचर का दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम होगी. अब इंटरेस्ट की इनकम होगी तो ऐश्वर्या राय की होगी. अगर ऐश्वर्या राय की इंटरेस्ट की इनकम है तो अब बताओ कि वो क्लब होगी? अरे नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय के बीच में कोई सन्स वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है. सो नो क्लबिंग बट टैक्सेबल इन सन्स वाइफ हैंड, यानी कि ऐश्वर्या राय के हाथ में ही ये टैक्सेबल होगी. ओके, तो अब इस केस स्टडी से कंडीशंस बनाए. नहीं तो पहले क्या पढ़ते थे हम? कंडीशन पढ़ते थे. कंडीशन को दे रट्टा तो क्रैम नहीं करेंगे ना. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अच्छा, सो कंडीशंस क्या आ गई जी? इनकम अराइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सन्स वाइफ ऑफ द एसएससी. हां जी बिल्कुल हो गया, फुलफिल्ड. सच इनकम अराइजेस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बिल्कुल, हमने डिवेंचर ट्रांसफर करी है उससे इनकम हुई है. सच ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. बिल्कुल सर, एडिक्वेट कंसिडरेशन है, क्योंकि लव एंड अफेक्शन इज नॉट ओनली द एडिक्वेट कंसिडरेशन इन दिस केस. ओके, और द ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर June 1, 1973. ये कंडीशन भी होनी चाहिए. सर ये हमने चारों कंडीशन जो है वो फुलफिल कर लिए. इफ ऑल द फोर कंडीशन आर फुलफिल्ड इन दिस केस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 अट्रैक्ट्स. ओके, लेकिन अब उसके बाद हमारा वही सेम रिलेशनशिप जो हमने वहां पहले डिस्कस किया सर, वो क्या है? हाउएवर नो क्लबिंग इन द फॉलोइंग केसेस. कैसे? इफ ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, पहले वाली बात करी हमने सेम. एंड रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ और सन्स वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट. कब? एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एट द टाइम ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम, और बोथ. जो हमने कहां डिस्कस किया, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में जो डिस्कस किया, सेम डिस्कशन यहां पे होगी. सेम डिस्कशन है हमारे पास, तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता. ओके, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास जो है वो डिस्कशन हो गई. ओके, अब आगे बढ़ते हैं जी. इसके लिए अब ये हमारे पास आ रहा है कि व्हेन इज इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ. तीसरी बात क्या थी जी? बेनिफिट ऑफ किसका? स्पाउस, सन्स वाइफ, डीम टू बी द इनकम ऑफ द एसेसी. तीन बातें हमने डिस्कस करी थी उस दिन. एक था हमारा स्पाउस, ये देखिए, रिलेशन एज गिफ्ट व्हेन इट इज गिवन टू द स्पाउस. दूसरा था सन्स वाइफ, और तीसरा था एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ एंड स्पाउस. ये तीन बातें आपसे डिस्कस करी थी. ये देखिए चौथी थी फिर हमारे पास यहां पे, कौन था? माइनर चाइल्ड था ना, ये माइनर चाइल्ड था. तो तीन बातें हमने, ये देखिए स्पाउस, तो स्पाउस हमने डिस्कस किया, सन्स वाइफ डिस्कस करिए. अब हम कर रहे हैं एनी अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ, किसकी? सन्स वाइफ एंड स्पाउस के बारे में डिस्कस किया. ओके, तो अब हमारे पास है कि व्हेन इज इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस सन्स वाइफ डीम टू द इनकम ऑफ एसेसी, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 और 8 के अंदर जो है हमारी डिस्कशन होगी. देखिए क्या हुआ, इसको हम ना इनडायरेक्ट ट्रांसफर भी बोल देते हैं बेनिफिट के लिए. जैसे ये अमिताभ बच्चन द्वारा से आपके पास आ गए, और आपको पता है ये अमर सिंह कौन है? अमर सिंह जो है वो कॉमन फ्रेंड होते हैं, यही इनके जो है वो एडवाइजर भी थे, फ्रेंड भी थे, क्लोज फ्रेंड थे. तो उन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन ने पहले गिफ्ट किसको दी? अमर सिंह को. और फिर अमर सिंह को बोला कि तू अब जया बच्चन को गिफ्ट दे दे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट देता हूं तो क्लबिंग हो जाती है. ओके, तो अब क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन ने गिफ्ट किसको दी? अमर सिंह को. और अमर सिंह ने गिफ्ट किसको दी? जया बच्चन को. ये भी कॉमन फ्रेंड हो गए. ओके, अब क्या होगा जी? अब देखिए इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तो इनकम जो है वो किसके पास चली जाएगी? अल्टीमेटली वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है. अगर इनडायरेक्ट ट्रांसफर होगी तो वो कहता नहीं, क्योंकि दिस इनकम इज फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस. बेनिफिट ऑफ द स्पाउस,
तो जब बेनिफिट ऑफ स्पाउस की बात हुई तो दोबारा से क्या कहता है कि ये जो गिफ्ट की इनकम जया बच्चन की होगी, अगेन इट इज टू बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द अमिताभ बच्चन। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर। सो दिस इज ए इनडायरेक्ट ट्रांसफर, तो भी इसके में बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए दोबारा से किसके पास आ जाएगी, अमिताभ बच्चन की क्लबिंग हो जाएगी। दूसरा मेरे पास आ जाता है क्रॉस ट्रांसफर। इसमें क्या होता है सर, इसमें देखिए, ये मान लो एक हस्बैंड है और ये वाइफ है, एक हस्बैंड एक वाइफ। अब वो ये हस्बैंड ये बोल रहा है कि यार एक काम कर, मैं तेरे को गिफ्ट देता हूं पहले और फिर तू मेरी वाइफ को गिफ्ट दे दे, फिर से क्या है कि क्लबिंग नहीं होगी, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ट्रांसफर। ठीक है, तो जब क्रॉस ट्रांसफर है तो वो भी क्लबिंग दोबारा से होगी। एक और बात बताता हूं आपको, यहां पे एक और बात आ गई। ये हस्बैंड कहता है कि एक काम कर यार, मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट देता हूं और तू मेरी वाइफ को गिफ्ट दे, इससे हम हमारी क्लबिंग नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो क्लबिंग होती है, डायरेक्ट करते हैं क्लबिंग होती है, लेकिन अगर तू मेरी वाइफ को दे, मैं तेरी वाइफ को गिफ्ट दे देता हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ट्रांसफर बोलते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, क्योंकि ये भी किसकी बेनिफिट के लिए, वाइफ की बेनिफिट है, चाहे इसके थ्रू किया जा रहा है। सो व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशंस आर इनकम अराइजेस इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन, जी सच इनकम अराइजेज फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर, सच ट्रांसफर टेक प्लेस विदाउट ए एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, सिंस इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर इज फॉर इमीजिएटली और डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द स्पाउस या सन, जरूरी नहीं है कि आज ही उसका बेनिफिट हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद हो। किसके बारे में, स्पाउस या सन्स वाइफ के केस में इनको बेनिफिट हो रहा हो, देन अगेन इट इज दो जो क्लबिंग का प्रोविजन है वो लगेगा ही लगेगा। तो ये भी अब आपके बात जो है वो डिस्कशन हो गई। सो दिस इज द इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स स्पाउस सन्स वाइफ डीम्ड टू द इनकम ऑफ द असेसी, जो कि इनडायरेक्ट हो सकती है, जिसका फायदा उन्हीं को मिलेगा। दैट्स वाई अगेन दिस इज टू बी द क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड। अच्छा, अब हमारे पास तीन बातें डिस्कस होगी, अब चौथा हमारे पास आ जाता है माइनर चाइल्ड। देखिए, व्हेन इज द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी, डीम्ड टू द इनकम ऑफ असेसी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। देखिए, जो जितने भी ये प्रोविजंस है रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड में, उसमें उसकी जो टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम हम उसकी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो माइनर चाइल्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी को एक तो एडमिनिस्टर नहीं कर सकता और ना ही वो उसके बारे में कोई डिसीजन ले सकता है। तो नहीं ले सकता, तो इसलिए वैसे भी उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी उसकी अराइज हो रही है, इसलिए उसकी इनकम को वहां से एक्सक्लूड करके उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब वैसे भी मैं अगर आपको बताऊं, एक बात बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आपके घर में जो है वो रिलेटिव आते हैं और बच्चे को जो है मान लीजिए कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ मान लो 50-100 रुपए देते हैं, तो वो सबसे पहले दौड़ करके किसके पास जाते हैं, मदर या फादर के पास ही जाते हैं, उसके पास ही देके जाते हैं वो पैसे, क्योंकि दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू टेक द डिसीशन, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी। इसलिए जो है अगर एक लॉजिक भी लिया जाए, इसलिए उसकी इनकम को भी क्या किया जाता है, क्लब किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है एक माइनर चाइल्ड, उसको गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड मिल रहा है, गिफ्ट फ्रॉम अंकल मिल रहा है, गिफ्ट फ्रॉम एनी पर्सन मिल रहा है, तो उसकी इनकम को अब क्या करेंगे हम, दैट विल बी क्लब्ड, किसके, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। बस वो लॉजिक लगा लीजिए कि आपके आप जो है सबसे पहले पैसे जो आपको दिए जाते हैं मामा नाना के द्वारा, जब पैसे दिए जाते हैं वो फटाफट से आप किसके पास दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं समझ होती, माइनर चाइल्ड है 18 ईयर से कम। तो अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किसकी इनकम के साथ जो है वो क्लब की ऐड की जाएगी, अदर देन द इनकम ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम के साथ क्लबिंग की जाएगी। देखिए, हम इसको ऐसे समझाते हैं आपको। ऑल इनकम विच एक्रू अराइज टू माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द टोटल ऑफ द टोटल इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर बिफोर इंक्लूडिंग इनकम ऑफ सच माइनर चाइल्ड।
जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसको क्लब बीए किए बिना जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो टैक्सेबल होगी। कैसे? ये मिस्टर एक्स, ये मिसिज एक्स और जो उनका बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं जी? मास्टर एक्स, क्योंकि जो माइनर होता है उसको मास्टर बोलते हैं ना। अच्छा, मास्टर एक्स, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया और ये माइनर चाइल्ड हो गया। फादर की इनकम है 40 लाख रुपए, मदर की इनकम है 60 लाख रुपए और माइनर की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए की है। अगर 1 लाख रुपए की इनकम है तो अब बताओ, इनकम ऑफ ₹1 लाख शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ मिसिज एक्स। क्यों? क्योंकि मिसिज एक्स की इनकम ज्यादा है और मिस्टर एक्स की इनकम कम है, इसलिए उसकी इनकम को इसी की इनकम के साथ क्लब कर दिया जाएगा। सर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ऐसा हुआ कि फादर की इनकम हो गई 60 लाख और मदर की इनकम हो गई 40 लाख और मास्टर एक्स की इनकम है 1 लाख रुपए। बताओ किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर सिंपल सी बात है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसी के साथ टैक्सेबल होगी। नहीं, बस स्टूडेंट यहां गलती करता है। यहां पे द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स शैल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ मिसिज एक्स ओनली। क्यों हुआ सर ऐसा? बिकॉज फर्स्ट टाइम क्लबिंग इज फॉर ऑल टाइम क्लबिंग। जब जिसकी इनकम के साथ एक बार क्लब कर दी गई, अब उससे के बाद जो है वो नेचर ऑफ इनकम चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन जिसके साथ एक बार क्लबिंग होगी उसके बाद वो क्लबिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक और की पॉइंट। अब माइनर चाइल्ड के साथ जितने भी पॉइंट्स हैं वी विल डिस्कस। देखिए, माइनर चाइल्ड है बिफोर द एज ऑफ 18। अब माइनर चाइल्ड क्या कौन से हो सकते हैं? देखिए, माइनर अनमैरिड सन हो सकता है, चाइल्ड की डेफिनेशन पढ़ी हमने। माइनर मैरिड सन हो सकता है, माइनर अनमैरिड डॉटर हो सकती है, माइनर मैरिड डॉटर हो सकती है। तो सर है तो चिल्ड्रन नहीं है, तो इसलिए क्या है कि ये फादर और मदर की इनकम के साथ इसकी इनकम भी क्लब होगी, इसकी इनकम भी क्लब होगी, इसकी इनकम भी क्लब होगी। लेकिन क्या माइनर मैरिड डॉटर की इनकम जो है क्लब होगी? आप तो बोलेंगे सर नहीं, वो तो दूसरे फैमिली में चलेगी, इस तरह से नहीं होगी। नहीं, इसकी इनकम भी इसके साथ ही क्या होगी? क्लब होगी। तो देयर इज नो डिफरेंस, और स्टूडेंट इसी पे कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं इसकी अब इनकम। अच्छा, एक और बात सर, कि ये जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने वही है, बिल्कुल वही है। यहां चाइल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है, इट शुड बी अडॉप्टेड चाइल्ड या स्टेप चाइल्ड, दोनों चलेंगे, चाइल्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड है। लेकिन एक और बात है, वेयर रिलेशनशिप डज नॉट सब्सिस्ट बिटवीन पेरेंट्स। मान लो दोनों के बीच के रिलेशनशिप अच्छे नहीं, कई बार होता है कि बेटा जो है, अब वो जो बच्चा है उसको या तो फादर या मदर ले जाती है, या फादर अपने पास रखते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं, तो फिर सर उस केस में क्या होगा? हाँ, टोटल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन माइनर चाइल्ड। जिस प्रीवियस ईयर में जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है उसकी इनकम के साथ वो क्लब की जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। जिस पेरेंट एंटाइटल टू एन एग्जम्पशन ऑफ ₹1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, लेकिन जिसकी इनकम के साथ माइनर की इनकम को क्लब किया जाएगा, उसको एक प्रोविजन है कि उसको ₹1500 पर चाइल्ड के हिसाब से एग्जम्पशन मिलेगी। सर ये भी हमें पहले केस स्टडी से बताओ। देखो, ये मिस्टर एफ हैं, इनके फादर हैं, उनके पास अमर, अकबर, एंथनी और अजायव, ये चार उनके बच्चे हैं और चारों जो हैं पुत्र माइनर हैं, माइनर है, माइनर है और माइनर है। इसकी इनकम जो है ₹1600 है, इसकी इनकम ₹1800 है, इसकी इनकम ₹900 है और इसकी इनकम ₹1900 है। सर एग्जम्पशन, इसको ₹1500 की एग्जम्पशन मिलेगी, इसको ₹1500 की एग्जम्पशन, सर इसको सर 1500 बोला आपने। हाँ भाई, जब इनकम ही ₹900 है तो 1500 की एग्जम्पशन मैं कहां से दे दूंगा? मैं ₹900 की एग्जम्पशन लूंगा, और यहां पे यहां 1500 क्योंकि ये इनकम 1500 से ज्यादा है। तो सर टैक्सेबल कितना हो गया? 100, ये 300 और ये क्या होगा? नील, और ये कितना होगा? 400। इसका मतलब इसका टोटल जो है 6200 है और इसका टोटल 5400 है, तो टैक्सेबल कितना होगा? 800। अब स्टूडेंट क्या करते हैं फटाफट से, वो क्या करते हैं कि बिकॉज इट इज क्लब्ड इन द पेरेंट्स हुज इनकम इज ग्रेटर, ठीक है, ओके, वो क्या करते हैं कि टोटल इनकम 6200 और चार बच्चे हैं, तो 1500 × 4 = 6000 और ₹200 टैक्सेबल कर देते हैं, क्योंकि टैक्सेबल यहां कितना होना था? 800 होना था जो एग्जम्पशन वाला। तो ये वाला गलत है, ऐसे नहीं करना आपने। आपने देखना है कि हर बच्चे की इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली देना है।
हो गया जी की पॉइंट क्लियर। तो ऐसे मत गलती कर देना, जिसे स्टूडेंट करते हैं मैक्सिमम करते हैं कि वो बोलते हैं 1500 रुपए पर चाइल्ड, पहले है देख तो लो। ओके, उसके बाद है सर्कमस्टांसेस वेयर इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इज नॉट टू बी क्लब्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं किया जाएगा। कब? इनकम अक्रूज एंड अराइज ऑन अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा जो है अपनी मेहनत कर रहा है, मैनुअल लेबर कर रहा है, रेडी फेडी का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, मैनुअल लेबर हाथों से काम करके कुछ कमा रहा है, तो उसकी इनकम को उसके फादर और मदर की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा, चाहे वो माइनर है। अब आप बोलेंगे सर चाइल्ड लेबर तो बैंड है। अरे चाइल्ड लेबर तो बैंड है, लेकिन चाइल्ड लेबर तो 14 साल है और यहां माइनर जो है वो 18 साल का होता है, तो बीच का 4 साल तो बच गए। ठीक है जी, अब बात समझ आ गई। अच्छा, इनकम अक्रू और राइज ऑन अकाउंट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल टैलेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जहां पे एक माइनर बच्चा जो है वो अपने टैलेंट स्किल और नॉलेज और एक्सपीरियंस की वजह से अगर कुछ पैसा कमा रहा है तो वो भी क्लब नहीं होगा। जैसे मां आपने देखा लिटिल चैंप टीवी शो में जो है बच्चे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे एक्टर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अपने स्किल और टैलेंट और नॉलेज की वजह से काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को भी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। तीसरा, वेयर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी मेंटेन्स अंडर सेक्शन 80U। 80U के अंडर जो है आपको पता है डिसेबिलिटी का अगर वो सफर कर रहा है और 80U के अंडर जो है वो उसका फायदा ले रहा है, तो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है या टोटल ब्लाइंड है, तो उस केस में भी उसकी इनकम को भी पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं किया जाएगा। वेयर पेरेंट ऑफ माइनर चाइल्ड डज नॉट अलाइव, या उस बच्चे के जो है फादर और मदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, नहीं जिंदा नहीं है, तो उसकी इनकम को ये जो क्लबिंग के प्रोविजन है ये नहीं लगेंगे। ठीक है जी, यहां तक बात ओके। तो फिर चाइल्ड में कौन कौन से इंक्लूड हुए सर? चाइल्ड में आपका स्टेप चाइल्ड भी और अडॉप्टेड चाइल्ड भी, और लेकिन एक बात है, चाइल्ड शुड बी लेजिटिमेट चाइल्ड एंड शुड बी लीगली वेडेड वाइफ। अब मान लीजिए कि जैसे मान लो एक ये एक्स हैं और इनकी एक वाइफ है, ठीक है, जिनके साथ शादी की है, लेकिन वो कभी कभी जो है बॉम्बे जाते थे तो वहां पे भी उन्होंने एक जो है वो एक वहां पे भी एक फियांसी है, लेकिन उसके साथ को लीगली जो है वो उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन उनके भी जो है वो एक बच्चा हो जाता है, तो ये जो बच्चा है ये लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा। लेजिटिमेट चाइल्ड ये होगा, उस केस में नहीं होगा। इनकम इज टू बी क्लब्ड बट इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड, ये भी ध्यान रखना। अब मिस्टर एक्स है, उसने डिवेंचर दिए मिसिज एक्स को, उसके ऊपर इंटरेस्ट हुआ, लेकिन उस इंटरेस्ट को मिसिज एक्स ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक के डिपॉजिट के ऊपर उसको बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज नॉट टू बी क्लब्ड। इट उसके ऊपर टैक्स कौन देगी? मिसिज एक्स ही उसके ऊपर टैक्स देगी। तो क्लबिंग सिर्फ इनकम होगी, इनकम के ऊपर की इनकम के ऊपर जो है वो ये नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये थे प्रोविजन, अब नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन इज इनकम फ्रॉम ओन प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर्टी ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डीम्ड टू द इनकम ऑफ द एसएससी सेक्शन 64 सेक्शन 2। ये हमने आपको एग्जम्पशन के टाइम भी डिस्कस किया था, मींस कन्वर्शन ऑफ द सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब आप जनरली क्या करते हैं कि आप ये मान लो मिस्टर एक्स है, मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उन्होंने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी मान लो एक्वायर करी, एक्वायर करने के बाद वो गिफ्ट दे दी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, यानी कि दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, गिफ्ट दे दिया इसको। ओके, अब क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अगर कोई भी इनकम होती है तो वो मिस्टर एक्स के हाथ में क्लब्ड होगी, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम नहीं मानी जाएगी। सो एनी इनकम अराइजिंग टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। अब जैसे आफ्टर पार्टीशन क्या होगा, जैसे मान लो पार्टीशन हो जाती तो क्या है, 10 लाख है, 10 लाख में एक्स मेंबर है 2 लाख, मिसिज एक्स है मेंबर है 2 लाख, माइनर चाइल्ड है 2 लाख, मेजर सन है 2 लाख, मेजर सन है 2 लाख रुपए इनको दे दी, 5 मेंबर हो गए। क्या होगा, मिसिज एक्स की इनकम तो जो है वो क्लब किसके साथ हो जाएगी, मिस्टर एक्स के साथ, और माइनर चाइल्ड की जो इनकम है दैट इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज इनकम इज ग्रेटर। यहां पे जिसकी इनकम जो है वो ग्रेटर होगी उसके साथ इसकी भी क्लबिंग हो जाएगी, लेकिन मेजर सन की इनकम के साथ उसकी क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, ओके।
उसके बाद जो है अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमने रेमुनरेशन की बात आपसे डिस्कस करी थी कि जो लास्ट हमें सेक्शन व्हेन इज रेमुनरेशन टू द स्पाउस डीम्ड टू द इनकम ऑफ द एसएससी। रेमुनरेशन दिया जा रहा है स्पाउस को और लेकिन वो एसएससी की इनकम मानी जा रही है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर। इसमें क्या है सर पर्पस? दिस प्रोविजन एम्स एट क्लोजिंग द लूप होल फॉर अवॉइडेंस और रिडक्शन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी थ्रू द डिवाइस ऑफ डाइवर्शन ऑफ इनकम टू द मेंबर ऑफ द फैमिली। सेम अच्छा, लेकिन इसमें क्या होगा सर? एनी सम विच अराइजेस टू द स्पाउस, अब वो स्पाउस को क्या दे रहा है? सैलरी, कमीशन, फी और एनी अदर फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन फ्रॉम ए कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये बहुत ध्यान है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होता है? जब आप अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में आपके पास 20% इक्विटी शेयर अगर उसके हैं, अगर मान लो कोई और कंसर्न है तो 20% हिस्सा आपका प्रॉफिट में आपका हिस्सा होता है तो उसको हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। हाउएवर देयर विल बी नो क्लबिंग। कब? इफ रेमुनरेशन इज ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पजेस्ट बाय द स्पाउस, अगर वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है लेकिन उसके पास वो क्वालिफिकेशन भी साथ है। क्वालिफिकेशन का मतलब यहां पे ये नहीं है कि उसके पास डिग्री होगी, डिप्लोमा होगा, ये नहीं होगा, लेकिन वो एक्सपर्टीज नॉलेज उसके पास है। द इनकम इज सोली एट्रीब्यूटेबल टू द एप्लीकेशन ऑफ हिज टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस लगा करके ही वो इनकम जनरेट कर रही है। आइए आपसे ये बातें दो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये अमिताभ बच्चन है, ये आपको पता है अमिताभ बच्चन की कंपनी का नाम था एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड कंपनी में अमिताभ बच्चन जो है उसमें उनका 20% शेयर है, इसलिए उनके पास 20% वोटिंग राइट है। अगर 20% वोटिंग राइट है इसमें अमिताभ बच्चन इज हैविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एबीसी लिमिटेड। अब वो क्या कर रहे हैं, जया बच्चन को जो है वो सैलरी देते हैं 4 लाख रुपए पर मंथ उस कंसर्न में से, और वो जय बच्चन को दिखाया गया कि वो फाइनेंस मैनेजर। अब बताओ वो एमबीए है, उसको फाइनेंस का नॉलेज है? नहीं है, लेकिन उनको क्या क्या दिखा रहे हैं, इसका मतलब उसके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसको 4 लाख रुपए दिए जाने, इसका डाइवर्शन ऑफ द इनकम है। तो इस केस में क्या होगा, क्लबिंग प्रोविजन विल बी अप्लाइड एज सैलरी ऑफ 4 लाख रुपए विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड, यानी अमिताभ बच्चन के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अब दूसरा केस आ जाइए, अब देखिए ये है हमारे अभिषेक बच्चन, और अभिषेक बच्चन का नाम है मान लो बॉलीवुड लिमिटेड। अब वो क्या कर रहे हैं कि 20 उसमें भी अभिषेक बच्चन का 20% वोटिंग राइट है, जब 20% वोटिंग राइट इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ऐश्वर्या राय को भी 4 लाख रुपए जो है वो पे कर रहे हैं। किस लिए पे कर रहे हैं? क्योंकि वो ऐश्वर्या राय जो है उस कंपनी में अपनी प्रोफेशनल नॉलेज दे रही है, सो पे रेमुनरेशन इन हर प्रोफेशनल कैपेसिटी। मान लो वो डांसर है, डायरेक्शन है, कुछ भी काम कर रही है, अब बताओ शी इज एक्सपर्ट, शी इज इसलिए वो अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन उसको सैलरी मिल रही है 4 लाख रुपए की, तो क्या होगा, क्लबिंग होगी? नहीं होगी सर, क्लबिंग प्रोविजन नॉट बी अप्लाइड। क्यों? क्योंकि इफ द रेमुनरेशन इज ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पजेस्ट बाय द स्पाउस देयर विल बी नो क्लबिंग। नहीं होगी ना क्लबिंग, ओके। लेकिन अब इसके साथ एक और केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लो वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड बोथ आर गेटिंग रेमुनरेशन फ्रॉम द कंसर्न, अगर दोनों ही, तो क्या हो गया? मान लो ये एबीसी कंपनी है, मिस्टर एक्स हस्बैंड है, उसका 25% इक्विटी शेयर है, इसका मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, वो 12 लाख रुपए उस कंसर्न से क्या ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं। उस तरह से मिसेज एक्स है, वाइफ है, उसका भी 25% इक्विटी शेयर है और वो भी 10 लाख रुपए की सैलरी ले रही है। अब अदर टोटल इनकम इसकी बैंक इंटरेस्ट 1 लाख रुपए है और इसकी जो है 3 लाख रुपए की इनकम है, तो क्या होगा सर? रेमुनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज अदर इनकम अदर देन रेमुनरेशन इज गेटर, यानी कि इस रेमुनरेशन के अलावा अगर कोई दूसरी इनकम है जिसकी इनकम वो ज्यादा होगी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो सर इस केस में बताओ क्या होगा? देखो मिस्टर एक्स की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है सर? ओनली 1 लाख रुपीज, ठीक है, इसका मतलब इनकम कम है, इसलिए इनकी क्लबिंग किसके साथ होगी? मिसेस एक्स के साथ। और बैंक इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख रुपए, सो टोटल इनकम इज 1 लाख रुपीज बस। लेकिन मिक्सिस एक्स के साथ क्या होगी? क्लबिंग होगी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए। अब क्लबिंग होगी मिस्टर एक्स की, वो किसकी 12 लाख की सैलरी मिल रही थी, 12 लाख इसमें हो गया, इसलिए क्लब्ड 22 लाख रुपए सैलरी इसकी होगी। अदर सोर्सेज की इनकम उनकी कितनी? इंटरेस्ट की 3 लाख रुपए होगी, टोटल इनकम 25 लाख रुपए का टैक्सेबल होगा।
ये होगा अगर दोनों जो है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों जो है वो सैलरी ले रहे हैं। तो यहां 3 लाख रुपए इसकी इनकम है, इसलिए वो दूसरी इनकम से ज्यादा है, इसलिए इसके हाथ में ये क्लब डोर ही है, लेकिन इसके हाथ में वो क्लबिंग नहीं होगी। तो आई होप कि अब आपको जो है वो ये वाला चैप्टर है, वो क्लबिंग वाले जो प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं, जो हमने केस स्टडी की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी है, शायद वो अब आपको क्लियर हो गया।